आइएगा प्रिय छात्रों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका जो बीए फिफ्थ सेम के अंदर, यानी कि बीए थर्ड ईयर के अंदर, जो आपके पाँचवें सेमेस्टर के अंदर, जो आपका कांथापुरा जो नोवेल है उसके अंदर, जो महत्वपूर्ण नोवेल के अंदर जो महत्वपूर्ण पात्र है आपका मूर्ति। तो मूर्ति का करेक्टर स्केच का जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपका, काफ़ी मतलब 10 या 12 नंबर के अंदर जो आपका आता है क्वेश्चन, तो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी वीडियो लेक्चर में इसी क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे, तो ताकि आप इंग्लिश में अच्छे तरीके अच्छे मार्क्स ला सकें, इंग्लिश में पास भी हो सकें, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो लेक्चर में राइट ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ मूर्ति। तो ये टाइप किसी टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है, और हमें देख सकते हैं आप जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब अलग अलग टाइप्स के टाइप में लिखकर पूछा गया है, तो इसके अंदर आपको मूर्ति का करेक्टर स्केच लिखना है। तो चलिएगा हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले कि मूर्ति इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द नोवल। मूर्ति उपन्यास का केंद्रीय पात्र है, यानी कि आप देखते हैं कि नायक है इस उपन्यास का, इस नोवल का, कांथापुरा का। ही इज़ वन ऑफ द थाउजेंड ऑफ यंग मैन हु वेयर इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। वह उन हजारों नवयुवकों में से एक है जो महात्मा गांधी से प्रेरित हुए थे। और आगे हम देखते हैं कि ही गिव्स अप हिज एजुकेशन एंड डिवोट्स हिज लाइफ टू द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड अनएजुकेटेड पीपल्स। और अपने जीवन को स्वतंत्रता की खातिर संघर्ष करने के लिए तथा गरीबों और अशिक्षित लोगों के उद्धार के लिए समर्पित कर देता है, यानी कि अपनी पढ़ाई को भी बीच में छोड़ देना पड़ता है मूर्ति को, क्योंकि वह इस देश को आज़ाद कराना चाहता है, इस देश के लोगों का भला करना चाहता है, इसलिए वो क्या है अपनी पढ़ाई भी क्या छोड़ देता है। आगे हम देखते हैं कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ द नरसम्मा ए विडो, यानी कि वो वह नरसम्मा जो एक विधवा है का इकलौता पुत्र है। नरसम्मा का हम देखते हैं कि नरसम्मा जो मूर्ति की माँ है। नरसम्मा इज नो डाउट डियर टू मूर्ति, बट हिज मदरलैंड इज डियरर। तो हम देखते हैं कि जो नरसम्मा निस्संदेह मूर्ति की प्रिय है, और किंतु उसे उसकी मातृभूमि उसे ज़्यादा प्रिय है, और यानी कि मूर्ति को अपनी माँ से भी प्रेम है, लेकिन उसे अपनी जो मातृभूमि यानी कि अपने देश की जो मिट्टी उससे बहुत ज़्यादा लगाव है। आगे देखते हैं द वॉल ऑफ कांथापुरा इज द हिज फैमिली, रिडप्शंस ऑफ विच इज हिज कंसर्न। हम देखते हैं कि जो समूचा कांथापुरा है जिसकी मुक्ति उसकी चिंता है, उसका परिवार है, यानी कि समूचा कांथापुरा के जो लोग हैं हम देखते हैं कि वो सेल्फिश हैं, यानी कि जिनकी मुक्ति उसकी चिंता उसका परिवार है, लेकिन जो मूर्ति है वो सबके बारे में सोचता है। आगे हम देखते हैं द ही रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज विद द रिलीजियस अथॉरिटीज़। और उसका परिवार वह धार्मिक ठेकेदारों के साथ समझौता करने से इनकार कर देता है, यानी कि मूर्ति का जो परिवार है धार्मिक ठेकेदारों से कोई भी किसी प्रकार का समझौता नहीं करता। धर्म के नाम पर जो क्या है लोगों को भड़काते हैं या एक धर्म के पक्षधर हैं उनके साथ वह नहीं मिलता, और वह धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है। आगे हम देखते हैं ही रिफ्यूज टू द लाइन ऑफ सोसाइटी स्पेरिटिंग मैन फ्रॉम मैन। और वो क्या है वह समाज के अनुसार चलने से इनकार कर देता है, जो एक आदमी को दूसरे आदमी से क्या अलग करता है। ही रिफ्यूज टू सबमिट और टू ए फोर्टीन रूल विच वाज सकिंग द ब्लड ऑफ हिज पीपल्स। और वह उस विदेशी शासन के समक्ष झुकने से इनकार कर देता है जो उसके लोगों का खून चूस रहा था। आगे देखते हैं कि मूर्ति इज ए नोबल यंग मैन एंड एवरीबॉडी इन द विलेज एडमायर सिम। मूर्ति एक श्रेष्ठ नवयुवक है, और वह गांव में हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, यानी कि मूर्ति की गांव में काफ़ी बातें की जाती हैं मूर्ति के बारे में कि मूर्ति एक अच्छा लड़का है और बहुत से अच्छे कार्य वह करता है अपने गाँव में। आगे देखते हैं ही इज़ अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिक ऑफ कास्ट। और हम देखते हैं कि वह छूत छात या जाति के आधार पर किसी
किसी भी भेदभाव के विरुद्ध है तो वह तो अंतर जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में भी है। और आगे हम देखते हैं कि जो मूर्ति है, ही इज इन एवरी फेवर इंटरेस्ट इंटरकास्ट मैरिज एंड विडो रिमेज मूर्ति टायर्स हिज लेवल बेस्ट ऑफ इंड्रिकेट अनटचेबिलिटी फ्रॉम द विलेज। और हम देखते हैं मूर्ति गांव से छूत छात को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है और विरोध के बावजूद वह पंथोगना में रहने वाले चंडाल जो उदार के बारे में हम देखते हैं कि जो इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन ही वॉक्स फ्रॉम द अपलिफ्टमेंट ऑफ परिहास लिविंग इन कांथापुरा। यानी कि जो विरोध के बावजूद भी कांथापुरा रहने वाले चंडालों के द्वारा के लिए काम करता है। यानी कि फिर भी वो क्या है कि जो चंडाल लोग हैं उसका विरोध करते हैं लेकिन फिर भी वो क्या है अपना कार्य करता रहता है। आगे देखते हैं मूर्ति इज एक्सकम्युनिकेटेड बाय द स्वामी फॉर हिज परिहा बिजनेस। और हम देखते हैं कि जो उसकी चंडालों से संबंधित गतिविधियों के कारण स्वामी के द्वारा मूर्ति को असामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, यानी कि उसे समाज से निकाल दिया जाता है जो चंडालों के विरुद्ध जो गतिविधियां करता है, चंडालों से संबंधित गतिविधियों के कारण यानी कि चंडालों के साथ वो मिलकर कार्य करता है इसीलिए उसे निकाल दिया जाता है। एंड हिज एज मदर्स डाइज ऑफ ग्रीफ एंड शोक एट दिस डिसग्रेस। आगे हम देखते हैं कि इस अपमान के कारण उसकी बूढ़ी माँ दुखी तथा सदमे से मर जाती है और मगर मूर्ति गांधी आंदोलन के प्रति इतना समर्पित है कि उसकी माँ की मृत्यु भी उसे चंडालों के लिए काम करने से नहीं रोक पाती। यानी कि हम देखते हैं कि जो मूर्ति है उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है लेकिन फिर भी वो क्या है गांधी जी से प्रेरित है और वह चंडाल लोगों के लिए जो है कार्य करता रहता है। आगे देखते हैं कि बट मूर्ति इज डिवोटेड टू हिज गांधी मूवमेंट दैट इवन हिज मदर्स डेथ कैन नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम वर्किंग फॉर द परिहास। तो इसके हमने हिंदी देख ली थी। आगे देखते हैं तो मूर्ति इज डिवोटेड फॉलोवर ऑफ गांधी ही हैज नेवर मीट गांधी पर्सनली। यद्यपि मूर्ति गांधी समर्पित अनुयायी है वह व्यक्तिगत तौर पर गांधी से कभी नहीं मिला है और यह तो गांधी का एक संपन्न है जिसने उसे पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। यानी कि गांधी से वो कभी उनका वास्ता नहीं, कभी उनसे मिले नहीं है लेकिन फिर भी उनके जो दिमाग में मूर्ति के दिमाग में क्या गांधी जी के विचार हैं उनके साथ वह चलता है। इट इज़ विजन ऑफ गांधी दैट हैज ट्रांसफॉर्मेड हिम कम्प्लीटली। ही वर्क्स वोल हार्डेडली फॉर द फ्रीडम मूवमेंट। फिर भी क्या है पूरे दिल से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करता है, अपने गांव में गांधी की गतिविधियों को आयोजित कराता है। ही ऑर्गेनाइज द गांधी वर्क इन हिज विलेज। ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर टू एक्सप्लेन द इकोनॉमी ऑफ द खादी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द चरखाज टू द इग्नोरेंट एंड सुपर सिचुएसिस विलेज। और हम देखते हैं कि जो वह अपने गांधी की जो गतिविधियों का जिक्र कराता है और खादी आर्थिकता तथा चरखे के महत्व किया को अज्ञानी तथा अंधविश्वास गाँव वासियों को समझाने के लिए वह घर घर जाता है और चरखे को उनमें निस्कुल वितरित करता है। यानी कि गांधीवाद की विचारधारा को फैलाने के लिए मूर्ति क्या करता है चरखे बांटता है और लोगों को समझाता है। चरखे वो बिल्कुल मुफ्त बांटता है ताकि जो लोग चरखा काते हैं चरखे से सूत काते हैं और सूत काट करके क्या स्वयं अपना कपड़ा तैयार करें और जो अंग्रेज है जो इंग्लैंड से कपड़ा यहाँ ला कर बेचते हैं उस कपड़े को न खरीदें, चरखे काट कर खुद का कपड़ा तैयार करके उसका प्रयोग करें। इसलिए वो जो मूर्ति है वो चरखे मुफ्त में बांटता है। यहाँ आगे हम देखते हैं इट इज़ मूर्ति हु फॉर्म्स द कांग्रेस कमेटी इन कांथापुरा। वह मूर्ति ही होता है जो कांथापुरा में कांग्रेस कमेटी की स्थापना ही इज आल्सो अननेमियोसली इलेक्टेड एज इट्स प्रेजिडेंट रनगमा एंड हिज सिस्टर टुगेदर रत्ना।
स्टैंड हिज इन हिज स्पोर्ट। हम देखते हैं कि उसे समर्पित इसके इसका प्रधान भी चुन लिया जाता है, यानी कि जो कांग्रेस कमेटी का जो प्रधान होता है वो मूर्ति होता है, और रणगमा और उसकी बहन की बेटी रत्ना उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है। पटेल रंगा घोड़ा भी उसके पूर्ण विश्वास है, वह हर बात में मूर्ति को उसकी मनमर्जी करने की इजाज़त देता है। तो हम देखते हैं कि जो सभी उसके साथ हैं, और जो एवरी रंगा घोड़ा पटेल है वह हैज फुल कॉन्फिडेंस इन इन मूर्ति, और देखते हैं ही परमिट्स मूर्ति टू हैव हिज वे इन एवरीथिंग। मूर्ति कुछ भी करे वो उसकी मर्जी है, उसका अपने अनुसार वो कार्य कर सकता है। ही परमिट्स मूर्ति टू हैव हिज वे इन एवरीथिंग। मूर्ति इंस्पायर्स द विलेज टू ज्वाइन द कांग्रेस। इंस्पायर्ड बाय मूर्ति एवन वूमेन ऑफ द विलेज फॉर्म ए बॉडी ऑफ फीमेल वॉलेंटियर्स एंड कॉल यू क्या है आपका सेविका जो सेविका संघ, यानी कि हम देखते हैं कि जो मनमर्जी कर सकता है। मूर्ति कांग्रेस में शामिल होने के लिए गांववासियों को प्रेरित करता है। मूर्ति से प्रेरित होकर गांव की औरतें भी महिला स्वयं सेविकाओं के लिए एक दल का गठन करती है, और जिसे क्या कहते हैं सेविका संघ का नाम देती है। ये भी आप एक नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो गांव के अंदर जो महिला कौन से संघ का निर्माण करती है, एक नंबर तो सेविका संघ आप याद रखना एक नंबर से, और जो मूर्ति है वो किस कमेटी का गठन करता है, कांग्रेस कमेटी का गठन करता है, उसका जो अध्यक्ष कौन है यानी कि इसका जो मैन चीफ कौन है, तो वो है मूर्ति होता है, ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है, और ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि 12 या कई यूनिवर्सिटी में 10 नंबर का, किसी में 15 नंबर का आता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ा आपको लिखना पड़ेगा याद करके, तो एक बार आप इसको देखिएगा। और मूर्ति इन एनसरेंस गांधी इन स्प्रिट एंड इन एक्शन ही स्प्रिट्स द क्लट ऑफ स्पाइनिंग। हम देखते हैं मूर्ति गांधी को अपनी भावनाओं तथा कर्म में प्रतिष्ठापित कर लेता है, और वह चरखा कातने की प्रथा का प्रसार करता है। ही इरेडिकेट्स अनटचेबिलिटी फ्रॉम द विलेज। ही कैप्स फास्ट्स एंड ऑर्गेनाइज द पैक्टिंग ऑफ टू डी सोप्स एंड सत्याग्रह। हम देखते हैं कि वह चरखे कातने की प्रथा का प्रसार करता है। वह गांव से छूत छात का उन्मूलन कर देता है। वह उपवास रखता है, और ताड़ी की दुकानों पर धरना तथा सत्याग्रह का आयोजन करता है। वह रात क्या करता है कि वह कर मत दो अभियान का आयोजन करता है। क्या कौन से ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि ही ऑर्गेनाइज नो टैक्स कंपेन एंड गोज टू जेल, यानी कि टैक्स मत दो चाहे हमें क्या है जेल में जाना पड़े। थ्रोगोट आगे हम देखते हैं। थ्रोगोट द नोवल मूर्ति इज सोन एज एन आइडियल गांधीयन। हम देखते हैं कि जेल चले जाओ, और पूरे उपन्यास में मूर्ति को एक आदर्श गांधीवादी दिखाया गया है, इनकी पूरा आदर्श गांधीवादी गांधी का सच्चा समर्थक है, और परंतु उसे उपन्यास का नायक नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके अंदर नायकों वाले कोई विशेष गुण नहीं है। हावर ही कैन नॉट ई कॉल्ड द हीरो ऑफ द नोवल सिंस ही डज नॉट हैव एनी स्पेशल हीरोइक क्वालिटीज। इट इज revelated when he goes to Rasna's house. He finds it's very difficult to sip the milk given to him by a Parihas wife. हम देखते हैं कि उसका रहस्य उद्घाटन तब होता है जब वह रचना के घर जाता है, और उसे एक अछूत की पत्नी द्वारा दिए गए दूध का घूंट पीना बहुत कठिन लगता है। मूर्ति उन हजारों अन्य लड़कों की भांति एक औसत नौजवान है। हम देखते हैं कि मूर्ति इज एन एवरेज यंग मैन लाइक अदर थाउजेंड ऑफ बॉयज हु वेयर इन थाउजेंड बाय गांधी इन दोज डेज टू कम आउट ऑफ देयर सेल्स एंड डू देयर बेस्ट फॉर देयर मदरलैंड। और हम देखते हैं कि जो उन दिनों में अपनी सुख सुविधाओं से बाहर निकलने तथा अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए गांधी के द्वारा उत्साहित हुए थे। आगे हम देखते हैं कि
No doubt Murthy appears in the novel as Gandhi in miniature, but the novel is not concerned with the life of Murthy. निसंदेह उपन्यास में मूर्ति एक लघु गांधी के रूप में प्रकट होता है, परंतु उपन्यास मूर्ति के जीवन से संबंधित नहीं है। उपन्यास कुल मिलाकर गांव से संबंधित है, ठीक है। द नोवल इज कंसर्न विद द विलेज इज वोल, यानी कि जो नोवल है वो मूर्ति से रिलेटेड नहीं है, पूरे के गांव से रिलेटेड है, कांथापुरा गांव से संबंधित है। एंड इट एंड्स विद द बर्निंग ऑफ द विलेज, द वोल विलेज एक्ट्स एज वन मैन, इट हैज़ ए पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन। हम देखते हैं कि जो इसका स्वयं का एक व्यक्तित्व है, मूर्ति की कहानी में एक महत्वपूर्ण पात्र है, लेकिन वह उपन्यास का नायक नहीं है। देखते हैं मूर्ति इज द इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ द स्टोरी, बट ही इज नॉट द हीरो, परंतु उसको हीरो नहीं माना गया। द हीरो ऑफ द नॉवल इज कांथापुरा इट्सेल्फ, यानी कि उपन्यास का नायक कांथापुरा स्वयं, यानी कि कांथापुरा जो गाँव है वो अपने आप में ही द नॉवल का हीरो है। ये कांथापुरा गांव ही इस नोवल, कांथापुरा गांव, कांथापुरा जो नोवल का नाम भी आपका कांथापुरा है, और कांथापुरा गांव ही क्या है इस नोवल्स का हीरो है। तो आपका वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे हम वीडियो लेक्चर लेते रहेंगे।